नमस्कार दोस्तों, मीना बुटीक में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अक्सर अपनी ड्रेसेस में नया लुक देने के लिए कुछ न कुछ चेंजेस करते रहते हैं। गाउन हुआ, लहंगा हुआ, उनमें नया लुक देने के लिए कुछ न कुछ ज़रूर चेंज करते रहते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एक प्लास्टिक वायर का। ये प्लास्टिक वायर है जो आपको मार्केट में 30 से 40 रुपये मीटर आसानी से मिल जाएगा, जहाँ पर आप धागे बटन स्टोर जहाँ पर भी है वहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। इस वायर का नाम हुप वायर के नाम से जानते हैं, तो ये वैसे भी जान जाएंगे, ऐसे कोई खास बात नहीं है। इसे यूज़ कैसे करते हैं, इसका फ़ायदे क्या है, जैसे कि हम लहंगा बनाते हैं और उसमें कैन का यूज़ करते हैं, उसमें उसे और एम्बॉज करने के लिए और उठाव देने के लिए इस प्लास्टिक वायर का यूज़ करते हैं। इस प्लास्टिक वायर का यूज़ कहाँ पर करते हैं, देखिए, जहाँ पर आप कैन लगाते हैं मिड में, जैसे घुटने से नीचे लगाते हैं तो घुटने पर आप मैन अटैच करते हैं, जहाँ पर कैन को अटैच करके रखते हैं वहाँ पर इस वायर का। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि लहंगे में कैन यहां से अटैच करते हैं, कई अलग अलग तरीके से भी लगाते हैं, तो जैसे ज़्यादातर हमारा जो कैन होता है वो लहंगे में घुटने के यहाँ से लगाते हैं। जैसे यहाँ पर मेरा ये मान लीजिए कैन लगा हुआ है, तो यहाँ पर मैं इसे अटैच करूँगा उस कैन के ऊपर। एक टॉप की स्टिच यहाँ लगाऊँगा, एक यहाँ पर लगाऊँगा, उससे चारों तरफ इसे लगा लेंगे, तो उससे जो इसका घेर है काफ़ी उठाव देगा और काफ़ी अच्छा भी रहेगा। एक तरीका तो यह है जो आप गाउन में और लहंगे वगैरह में लगा सकते हैं। दूसरा एक चीज़ और, नॉर्मली अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, जैसे ये लहंगा है, नीचे इसकी ये बनी हुई है बॉटम पट्टी लगाकर नॉर्मली तरीके से, तो आप इसे यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, जितनी आपकी 2.5-3 इंच की चौड़ी पट्टी आप लगा रखें उसके ऊपर आप इसे यूज़ करेंगे तो नीचे से थोड़ा सा ये लुक अच्छे से देगा, तो ये ऑप्शन भी आपके लिए बेस्ट है। तो इस तरह से इस वायर का आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये वायर है जो बहुत ही काम का है और इसे यूज़ करें, ऐसे ही गाउन में यूज़ करते हैं। तो ये प्लास्टिक वायर है, इसके अच्छे फायदे हैं। प्लास्टिक वायर और इसी से रिलेटेड दूसरे वायर भी हैं जिन्हें आप मार्केट में देख सकते हैं, उन्हें आप गाउन हुआ, फ्रॉक हुई, जो लेयर कलीदार जैसे घेरदार होती हैं नीचे की तरफ उसे लगाते हैं, रिंकल्स जो घेरदार बनाने के लिए, बाउंस जो घेर बनता है, उस टाइप के वायर भी मार्केट में चल रहे हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल ये आपके लहंगे में, गाउन में, जहाँ कैन यूज़ करते हैं वहाँ पर लगा सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें, ताकि और ऐसे ही प्रोफेशनली जो स्टिचिंग में काम में आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूँगा आपसे एक नई इन्फॉर्मेशन, नए वीडियो के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहें। राम राम शाह।